गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ न्यू सिस्टम। आज जो है अपन एक नए सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड नेम ऑफ दैट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वी कैन ऑल्सो कॉल इट उत्सर्जी तंत्र। इसको जो है अपन उत्सर्जी तंत्र के नाम से भी बोल सकते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है। वंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में जो है अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ये डायग्राम बन गया है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ऑलराइट, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन किडनी। ऑलराइट, किडनी जो है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर इनकी वाइडनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है वाइडनेस, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइडर एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर जो है इनकी लेंथ पाई जाती है। किडनी जो है चारों तरफ एक स्ट्रक्चर से सराउंडेड होती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैप्सूल। उस स्ट्रक्चर को कैप्सूल बोलते हैं। अंदर जो है बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो हैं, नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स को जो है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, सो वी कैन से मेनली जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, यूरिन फॉर्मेशन की जो मेन प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है। और नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ऑलराइट, अब जैसे ही ब्लड जो है नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन के बाद में जो है यूरिन फॉर्म होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज यूरिनेशन। सॉरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज यूरोपोएसिस। That process is known as uropoiesis. So we can say kidneys के अंदर जो है ये blood filter हो रहा है, kidney के अंदर भी nephron के अंदर blood filter हो रहा है और blood filtration के बाद में urine form हो रहा है, that process is known as uropoiesis. अब one thing that you need to remember कि blood filter तो हो रहा है but how? किस प्रकार से जो है kidney के अंदर blood आ रहा है और कैसे kidney से blood जा रहा है? जिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ब्लड किडनी के अंदर आता है, those ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज renal arteries. These structures are known as renal arteries. और जिन structure के through blood kidney से बाहर निकल कर जाता है, those structures are known as renal tubules. Sorry, those structures are known as renal veins. Those structures are known as renal veins. तो renal arteries के through तो oxygenated और impure blood kidney के अंदर आता है और renal veins के through जो है deoxygenated और pure blood जो है kidney से बाहर निकलता है। अब जैसे ही यूरोपोएसिस हो जाता है, यूरिन बन जाता है, दैट यूरिन कम्स फ्रॉम अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर। ऑलराइट, और यूरेटर के थ्रू जो है ये यूरिन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको बोलते हैं ब्लैडर। और ब्लैडर की जो है एक ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, एक अपर्चर पाया जाता है ब्लैडर के ऊपर, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। That structure is known as urethra. So we can say ureter जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किडनी और ब्लैडर के बीच में पाई जाती है। ब्लैडर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होने का काम होता है और इसकी कैपेबिलिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8
100 ml, 700 to 800 ml जो है यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अर्थ जनरेट हो जाते हैं एंड उसके बाद में यूरिथ्रा जो है इसका अपर्चर ओपन हो जाता है और यूरिन जो है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपस में मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना रही है। राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा सिस्टम जो जिसके थ्रू जो है यूरिन फॉर्म होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन्स की बात करें तो जैसे किडनी हो गई है, यूरेटर हो गए, ब्लैडर हो गया एंड यूरिथ्रा। ऑलराइट, और जो मेन डक्ट्स जो ब्लड को लेकर आ रही हैं, रेनल आर्टरीज जो ब्लड को लेकर जा रही हैं, रेनल वेन्स। किडनी जो है ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, 2 to 3 centimeter वाइडर होती हैं, 4 to 5 centimeter इन लेंथ होती हैं। दे आर सराउंडेड बाय कैप्सूल, अंदर जो है इनके अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है जिसके अंदर यूरोपोइसिस की प्रोसेस होती है, दैट वी गोना टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके बारे में जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जैसे यूरिन फॉर्म हो जाता है, यूरिन फॉर्म्ड यूरिन जो है यूरेटर में आता है, यूरेटर से जो है फिर वो ब्लैडर के अंदर जाता है और ब्लैडर से फिर वो किसके अंदर आता है, यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा से जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।